उत्तर प्रदेश प्रयागराज हंडिया के दोरहरा ग्राम सभा क्षेत्र में श्री धाम अधिशक्ति केवाई धाम में श्री श्री 108 श्री स्वामी ताड़केश्वर शरण जी महाराज महामंडलेश्वर महर्षि पीठाधीश्वर एवं श्री महर्षि भैरव दास जी महाराज के सानिध्य में हजारों वर्ष पुराने आदि शक्ति केवाई धाम में लगा भक्तों का तांता, जिसमें आसपास के श्रद्धालु और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने श्री केवाई धाम में होने जा रहे महायज्ञ एवं पूजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही महर्षि पीठाधीश्वर श्री ताड़केश्वर शरण महाराज जी ने भगवान श्री राम जानकी लक्ष्मण हनुमान जी समेत दिव्य प्रतिमाओं को स्थापित किया गया, जिससे धोरहरा ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित श्री केवाई धाम में भक्तों की हजार वर्षों से अधिक की आस्था और मजबूत हो और संत समाज के द्वारा जन कल्याण होता रहे। श्री पीठाधीश्वर श्री ताड़केश्वर शरण जी महाराज के आने से श्री केवाई धाम धोरहरा में हर्षोल्लास का माहौल सा बन गया है। प्रयागराज से लक्ष्मीकांत पांडे की रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज। महाराज जी, हमारे चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, हम वंदन करते हैं। महाराज जी, कृपया आप हमें ये बताइए कि ये जो इस प्रांगण में आज इतना भव्य समारोह हो रहा है ईश्वर के प्रति, इसमें लोगों की तीन तीन पीढ़ियां, चार चार पीढ़ियां जो है यहाँ पे जो है पूजा पाठ करती रह आई है, और इस प्रांगण में आपके द्वारा जो कार्य हो रहा है, यहाँ के लोग जो आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रभु की महिमा कहें, आपका आशीर्वाद कहें, और आप कुछ अपना विषय रखिए जो है, जिससे हमारे चैनल के माध्यम से हमारा धर्म संस्कृत और हमारे जो भी सुनने वाले हैं उनको कुछ आपके द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्ति हो। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल का भी हार्दिक स्वागत करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी कई भी बात और आगे तक आप पहुँचने में आसानी होगी। तो आप देखिए, आपने ही कहा कि हमारी तीन पीढ़ी के लोग मौजूद हैं, आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह तीन पीढ़ी के साथ चलेगी, बाबा पिता और नाती चलेगी। जैसे कि आप पहले से देख रहे हैं कि आप में लोगों में यह सब देखकर एक उत्सुकता है, ये बात बताती है कि इससे पहले इतना सुंदर नहीं सजा होगा, नहीं हुआ होगा। तो आज जो ये सज रहा है, जो सजा है, हमारा मानना है कि भूमि का अपना भाग, जो भूमि का भाग अपना प्रबल हुआ, तो आप जैसे देखो कि आपने भी फोटो लिया है ठाकुर जी का, राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, अब ये मूर्तियाँ आई हैं तो इनका स्थान बनेगा ही बनेगा, इनकी इच्छा के अनुसार कब बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, पर इतना तो तय हो गया कि जैसे हनुमान शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, माता जी हैं, तो आपकी माता जी के मामले में ये कहा जाता है कि हजारों वर्ष की बात है, हजारों वर्ष यहाँ विराजमान। अब इतने दिन के बाद एक ठाकुर जी भी आ गए, तो इस भूमि का अथवा ये मान के आप चलिए जो ये आपके ग्राम देवता हैं, अब ये बलिष्ठ हो रहे हैं क्योंकि इन्हें राम जी प्राप्त हुए, जन्म लंबा अम्बा प्राप्त हुए, लक्ष्मण जी प्राप्त हुए, साथ में हनुमान जी महाराज पहले से ही हैं, और हनुमान जी महाराज राम जी इसलिए दास हैं, रामदूत रामदूत हैं, तो राम जी के आने पे हनुमान जी तो पक्का प्रसन्न हो ही गए होंगे, कहीं प्रसन्न हुआ हो या ना हुआ हो, हमारा यह कहना है कि हनुमान जी प्रसन्न हो गए होंगे। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जैसे आपने एक बार अपनी बातचीत में कहा कि हमारा सनातन धर्म इस तरह के कारणों से मजबूत होता है,
तो ये बात और मजबूत हो गई कि राम जी के आने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और ग्राम का जो देवता है तो बढ़ रहा है, तो ग्राम देवता आपके बढ़ रहे हैं तो बलवान हो रहे हैं आप। और जिस ग्राम का ग्राम देवता, जिस कुल का कुल देवता, ठीक है, जब प्रसन्न होते हैं, उनकी सेवा तो होती है, वो हमारी सेवा से प्रसन्न रहते हैं, बलिष्ठ रहते हैं, तो हम भी उनके आशीर्वाद से बलिष्ठ होते हैं। इस बात से तय हो गया कल गांव, और इस गांव में जो आने आगे की पीढ़ी है वह पीढ़ी बहुत अच्छे से धर्म से जुड़ जाएगी और धर्म को समझने लगेगी, तो कल को ये धर्म स्तर और मजबूत होगा, बहुत दूर दूर तक इसका वैभव चलेगा और ये बलिष्ठ देवता पूरे गांव की रक्षा करेंगे, और पूरा गांव जब सुरक्षित रहेगा, रक्षित रहेगा, संरक्षित है, तो आप समझ लीजिए अपने आप वो बलवान दिखेगा।